नमस्कार मित्रों, मैं पंडित योगी शुक्मन आज आपको एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में बता रहा हूँ जो राजस्थान में प्रायकर बहुत मात्रा में देखा जाता है। ये करीब करीब सभी जगह मिलने वाला पौधा है और इसका जो औषधीय या कहें वनस्पतिक नाम है वो है जंगल जलेबी। जंगल जलेबी जंगलों में बहुत आयत में पाई जाती है और सभी जीव जानवर, मुख्यतः यदि बात करें तो इसको बंदर बहुत पसंद करते हैं। ये आप इसको गौर से देख लीजिए, इसकी लीव्स हैं, अभी इस तरीके की इसकी पत्तियां हैं जो मैं आपको बहुत पास से बता रहा हूँ, बहुत गहरी पत्तियां इसके अंदर आती हैं। बंदर और अन्य पक्षी जानवर जो जंगलों में उनके भरोसे रहते हैं वो इनको बहुत पसंद करते हैं। सबसे अच्छी बात, खास बात ये होती है कि इसको प्रयोग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, साथ ही साथ हमारे पेट की शुद्धि, मल की शुद्धि के लिए ये बहुत ही गुणकारी खाने योग्य चीज़ है। वनस्पतियों में सर्वसुलभ और आसानी से पाई जाने वाली, जंगलों में पाई जाने वाली, बिना पैसे के खर्च किए आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पेड़ में से वैसे फल जो है वो ज़्यादातर झड़ गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा आने पर झड़ जाते हैं, गर्मियों की शुरुआत में ही ये लगते हैं। अभी चूँकि मई का महीना है तो इस समय इनकी करीब करीब मात्रा ख़त्म हो गई है, फिर भी मैं एक दो दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। बहुत दूर है, इसमें आ नहीं रहे फल, दिख नहीं पा रहे हैं इसका अच्छी तरीक़ा से, लेकिन फिर भी इसका मैं आपको औषधीय प्रयोगों के बारे में ये बताता हूँ कि किसी भी तरीके की डायबिटीज़, अल्सर, कोलाइटिस, आँतों में सूजन, इन्फेक्शंस, लीवर में कोई इन्फेक्शन हो उसमें बहुत अधिक फ़ायदेमंद। इसकी पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है और आसानी से उपलब्ध होने की वजह से इनको पुराने समय में लोग वनस्पति के तौर पर काम में लेते थे। मेरा मानना यह है कि ऋतु अनुसार ये ठंडी भी होती है, इसको खाने से गर्मी की जो लू लगने की संभावना है वो कम होती है और ख़ास तौर पर पाचन क्रिया के लिए सबसे अच्छी होती है। कितना ही पुराना जमा हुआ मल, हाथों में सड़ा हुआ मल, उसको ये बाहर निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इसका नियमित 5 से 6 दिन का प्रयोग किया जाए तो आप देखेंगे पाएंगे कि बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा आपके शरीर के अंदर। भूख बढ़ेगी, आपका मन खुलेगा, खुल करके आपका मल साफ होगा। तो मेरा ये मानना है मित्रों कि ये जंगल की जड़ी बूटियां हैं, आप इनका समय समय पर प्रयोग करते रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब के लिए आशीर्वाद चाहूँगा। धन्यवाद।